C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। आप ये गंगा जल सबसे पहले घर के द्वार पर, फिर लड़की पर और फिर सारे घर के अंदर छिड़क दीजिए। अरे 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 कल्याणी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माई आपसे मिलना चाहती है। अनुप्रिया, कौन है ये लड़की? तुम कैसे जानती हो इसे? क्या होगा अंजाम जब बदले की आग में अनुप्रिया के घर जा पहुंचेगी कल्याणी? ये शहर की लड़कियाँ ऐसी होती है, कपड़े तो देखो। कल्याणी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। इस औरत के कमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि आप लोग तो माफी के लायक ही नहीं है। अगर मेरा बस चलता ना तो आप लोगों का और भी बहुत नुकसान कराते। कल्याणी, गलती हुई है ना तो अब सजा तो भुगतनी ही होगी। तुम्हारे पास कल तक का समय है, अगर उसने ये काम पूरा नहीं किया तो वो घर में कदम नहीं रखेगी। क्या होगा अंजाम जब आउस साहिब के गुस्से का सामना करेगी बदले की आग में जलती कल? इस मंगलवार देखिए। आज रात के लिए उस घर में मत जाओ। ये काम छोड़कर अगर आउस साहिब ने तुम्हें देख लिया ना घर के अंदर, तो पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठेगी। कि मैं तुम्हारा मोबाइल ले ही लिया। तुम क्या होगा जब आउस साहिब अनुप्रिया को कल्याण की मदद करते हुए देख। बेटा दरवाजा खोलो। अरे कुछ तो जवाब दो। तुम दरवाजा तोड़ दो। क्या होगा जब आऊ साहिब देखेंगी कल्याणी और अथर्व को बंद एक? लेकिन उस लड़की का बाप है कौन? वो जिंदा तो है ना? वो ठीक है, वो है कहाँ? ये आदमी अतुल देशमुख इसी जेल में है ना? बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कोई आओ। माई क्या कहा डॉक्टर साहब ने? हाँ बहुत जोर से चिल्ला रही है, लगता है बहुत ज्यादा चोट आई है। मैं उसे देख के आती हूँ। माई आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं देख कर आता हूँ। आप रुकिए यहीं पे, मैं देख के आता हूँ। घबराओ मत, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जब वो ऑपरेशन करेंगे ना तो तुम्हें बेहोश कर देंगे, पता भी नहीं लगेगा। ऑपरेशन? ऑपरेशन क्यों? पैर की हड्डी टूटी है, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा ना। अरे लेकिन ऑपरेशन की क्या जरूरत है, मैं दवाई लेकर भी ठीक हो सकती हूँ। हाँ। और वैसे भी अभी दर्द बहुत कम हो गया है। हाँ। लक्की? हो? इसका मतलब दर्द थोड़ा कम हो रहा है। हाँ, पहले से बहुत कम हो रहा है अभी। हाँ। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि ऑपरेशन करा ही लेते हैं। क्या है ना मल्हार, कल्याणी को तुम यहाँ अपने घर पर क्यों ले आए? जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, क्या उसको हॉस्पिटल में ही रहने देना ज्यादा बेहतर नहीं था? माई आप चिंता क्यों करती हैं? आप इधर आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए प्लीज। ये लीजिए। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि कल्याणी को घर ले जाया जा सकता है, बस किसी घर वाले की देखभाल की जरूरत है। और वैसे भी आपके यहाँ तो आओ साहब उसे रहने नहीं देंगे, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं उसे यहाँ ले आया हूँ। और आपकी जब मर्जी हो आप उसे आके मिल लीजिएगा, और किसी को एतराज भी नहीं होगा। जब तेरा वड़ा खा के हो जाए ना तो मेरे लिए चार वड़े लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। अच्छा अतुल पर भरोसा करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और हम नहीं चाहते कि उसका साया अनुप्रिया की जिंदगी पर पड़े। खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है अतुल ने, हमारी अनुप्रिया को भी जीवन भर का दुख दिया है इस आदमी ने।
ये आदमी अतुल देशमुख इसी जेल में है ना? क्या जादू किया है सनुप्रिया ने सब पे कि हर कोई उसके नाम की माला ही जपता रहता है। ऐसा इतनी चालाक औरत ना मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी है। पर उसकी ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलने वाली। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा नहीं ले आती। क्या जरूरत थी? एक्सक्यूज मी, क्या जरूरत थी आऊ साहब को ये बताने की कि अतुल जेल में? मेरे पापा का नाम नहीं लेना। क्या जरूरत थी आऊ साहब को ये बताने की कि तुम्हारे पापा जेल में हैं? क्योंकि सच यही है कि मेरे पापा जेल में हैं, उसकी वजह भी तुम हो। ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? ये कंगन माधुरी के हैं। निकालो इन्हें। कल्याणी क्या कह रही? मैं नहीं जानती कि पापा ने तुम्हें और कितने गिफ्ट दिए, लेकिन ये कंगन मेरी माधुरी के। भाई, ये कंगन आपको याद है ना? परमेश्वरा, ये तो अनुप्रिया के कंगन है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी माई कि आपको ये पुश्तैनी कंगन बेचने पड़े? हमारे पुश्तैनी कंगन पेड़नेकर के पास कैसे पहुँच गए? जवाब दो अनुप्रिया। अगले एपिसोड में देखिए कि रेवती द्वारा उठाए गए इस कदम के कारण गुड्डन को मांगनी पड़ी अक्षत जिंदल से मदद। क्या अक्षत निकाल पाएगा गुड्डन की बहन रेवती को पर्व के इस जाल से? अब क्या नया मोड़ लेगी अक्षत और गुड्डन की ये अनोखी कहानी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। हाथ कैसे लगाया तू? हाथ कैसे लगा? तुम्हें इतनी आग लगी हुई ना, तो जाके टेस्ट करवा ले। आप सब सोच रहे होंगे किस चीज का टेस्ट? मीरा के कुवारेपन की जांच। मैं जानना चाहता हूँ कहीं तुम्हें ये अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। मीरा, तुम जानना चाहते हो ना मैं क्यों कर रही थी वो सब? तो आप मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस पर इतना सारा मजेदार कारण देखकर देखने चूहे दौड़ रहे हैं और रसगुल्ला भी है। अब तो चूहे बाहर ही निकल जाएंगे। पास होकर भी दूर है शांतनु अपनी दोस्त पुचकी से। क्या नीलांबर से किया वादा पुचकी तोड़ पाएगी या फिर कोई नया मोड़ लेगी ये दोस्ती? हाँ, आज मुझे किसी ने लव पे लेक्चर दिया। डिजायर, लोनलीनेस। और कौन है ये समझदार जिसने आपको ये सब समझाया? अभिषेक प्रेम मेहरा कह रहा था अपने प्यार से झगड़ा कर लो, डांट लो, नाराज हो जाओ, लेकिन कभी अक्यूज मत कर। अक्यूज करोगे तो तुम्हारा प्यार तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। ये ऑल्सो सेड कि उसने भी कभी अपने प्यार को अक्यूज किया था और उसका प्यार बहुत दूर चला गया और कभी वापस नहीं आया। खुद को बहुत हॉट समझती ना, अपने जलवे किसी और पे चलाना। फिर को मुझसे छीनने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तो लिसन, क्या मेरा पृथ्वी लगा रखा है? हाँ, छीनी वो चीज जाती है जिसकी कोई वैल्यू। मैं पूरा भरोसा है तुम पर, कभी तुम हमें यहाँ से ले जाओगे? कभी जरूर लेकर जाएंगे, बस हम सिर्फ जितना तुमसे पूछेंगे ना बस उसका जवाब दे दो हमें। रुक सर, कह दो कि तुमने हमदान को नहीं मारा, बस इतना हम जानना चाहते। तुम्हें बचाने की जो कार्रवाई हमें शुरू करनी है ना, उसे उसके लिए हमें जानना जरूरी है। इस बार मैं एक अलग ही वेदिका दी देख रही हूँ, वो जो अपने बच्चे को वापस लेकर ही दम लेगी। वेदिका द्वारा दी गई चुनौती से अग्रवाल खानदान पूरी तरह से चौंक उठा है। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। पर क्या रुकावटें आने वाली हैं वेदिका की लड़ाई में? क्या अग्रवालों के पैसों की ताकत के सामने जवाब दे देगा उसका हौसला? आखिर कब तक चलेगी दोनों माओं की जंग वेद के लिए? जानिए आपके आ जाने से की